आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला हमें जो है वो बुराइयों से बचाता है। कैसे बचाता है? जब हम अपने आप को सही कर लेते हैं, नमाज और रोजे का पाबंद कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमें जो है बुराइयों से बचा लेता है। तो हमारे जहन में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव जो है हर वक्त दो चीज़ें जो चलती रहती हैं। तो जो लोग अच्छाई को अपना लेते हैं वो कामयाबी को अपना लेते हैं, और जो लोग बुराई को अपना लेते हैं वो नाकामी को अपना लेते हैं। तो कामयाबी हमेशा जो है वो अच्छाई की तरफ होती है, और कभी भी बुराई की तरफ कोई भी कामयाबी जो है आर्जी तौर पर जो है बंदा महसूस करता है कि मुझे कामयाबी मिली है, लेकिन ये कामयाबी आर्जी होती है। हमेशा के रहने वाली जो है कामयाबी जो है वो अच्छाई की कामयाबी होती है। तो आज हमारा टॉपिक है जी रमजान के बारे में, असेंशियल ऑयल फॉर फास्टिंग सक्सेसिव। इसका उर्दू में तर्जमा ये है कि हमारा जो है रोज़ा हमारे लिए जो है रोगनियात, रोज़ा में कामयाबियों का बायस बनता है। रोगनियात जो है वो रोज़ों में कामयाबियों का बायस होते हैं। ये काइजिक एक साइंसदान है, उन्होंने असेंशियल ऑयल के बारे में जो है ये बताया है। बेसिकली तौर पर इसमें जो है वो बेसिकली तौर पर तो उनका काम जो है वो रीढ़ की हड्डी को मोरों को जो है दुरुस्त करना था, यानी कि वो रीढ़ की हड्डी के माहिर थे, स्पाइनल कार्ड के माहिर थे। तो इसको जो है वो अंग्रेजी जबान में क्रायोप्रैक्टर कहते हैं जी। क्रायोप्रैक्टर कहते हैं यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के मोरों को दुरुस्त करता है, तो वो जो है बेसिकली तौर पर जो है वो क्रायोप्रैक्टर कहलाता है। तो इसमें जो है वो बेसिकली तौर पर ये थे, और उन्होंने असेंशियल ऑयल पे बहुत ज़्यादा काम किया। असेंशियल ऑयल को हम रोगनियात कहते हैं, और दूसरा जो है वॉलेटाइल होते हैं जिनको हम जो है वो फरारी रोगन कहते हैं, यानी कि वो जो उड़ने वाले होते हैं आम टेम्परेचर पर वो उड़ जाते हैं और वो बरकरार नहीं रहते। जितनी भी खुशबूआत हैं, अतरियात हैं, ये सारे जो है ये वॉलेटाइल होते हैं। और जितने भी रोगनियात जो है वो जैसे कि ओलिव ऑयल है और इसी तरीके से दीगर ऑयल जो है उनको हम जो है असेंशियल ऑयल कहते हैं। ओलिव ऑयल है, क्लोव ऑयल है, और इस तरीके से जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उनको हासिल करते हैं। और वॉलेटाइल को भी हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हम हासिल करते हैं। बेसिकली तौर पर हम इसको बड़ी तफसील से जो है फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी के अंदर जो है वॉलेटाइल का पूरा जो है ये वॉलेटाइल और असेंशियल ऑयल का पूरा एक चैप्टर है, जिसमें जो है पिरामिड ऑयल और इस तरीके से दीगर ऑयल जो है वो शामिल होते हैं। और इसी तरीके से इस इलाज को जिसमें हम असेंशियल ऑयल इस्तेमाल करते हैं और वॉलेटाइल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जो है एरोमोपैथी कहते हैं। तो एरोमोपैथी की मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं, बहुत बड़ी दूर दूर से लोग जो है मेरे पास लेने के लिए जो आते हैं, खासतौर पर बहावलपुर यूनिवर्सिटी के लोग भी और इसी तरीके से कृषि यूनिवर्सिटी के लोग भी जो है वो अक्सर मेरे पास जो है ये एरोमाथेरेपी की बुक जो है वो लेने के लिए आते हैं। और ख़ास जो है ये एरोमाथेरेपी से जो है वो इलाज जो है ये उसकी बुक्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर कोई दोस्त लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो जो है वो रब्ता कर सकता है। तो उसमें जो है बड़ी मुफीद जो है वो मालूमात है असेंशियल ऑयल का जो है वो, और ट्रीटमेंट विद असेंशियल ऑयल और असेंशियल ऑयल के बेनिफिट। तो इसी तरह से मेरे पास एक बुक है लेवेंडर के बारे में। लेवेंडर असल में उस्तुखदूस को कहते हैं, मेरे दोस्त जो है जानते हैं। उसमें उस्तुखदूस की पैदाइश से लेके जो उससे कितने बेनिफिट जो है, और उसकी जो है असल में खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है, और ये जितनी भी स्प्रे वगैरह इस्तेमाल होती है वो भी जो है वॉलेटाइल इससे जो है तैयार होता है लेवेंडर का ऑयल, और इससे मोमबत्तियाँ तैयार करते हैं, साबुन बनाते हैं, और बड़ा जो उसमें जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं, और वो भी बड़ी लेवेंडर के बारे में जो है वो एक नायाब बुक है। तो इस तरीके से जो है ये असेंशियल ऑयल जो है ये हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे निकालते हैं, और अल्लाह ताला इसको कैसे बनाता है, थोड़ी सी इसके बारे में बात करने के बाद हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं जी।
देखिए जी, सबसे पहले तो हम जो है ये किसी भी पौधे के अंदर जो है ये फ्रूट बनता है, उसमें फ्रूट बनने के बाद उसकी जो है चीज को मखबूज करने के लिए, उसकी नस्ल को मखबूज करने के लिए अल्लाह ताला उसके अंदर बीज पैदा करता है। जैसे कि हम रोज जो है ये सरसों का तेल, ब्रासिका का तेल जो है रोज इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म को तर रखने के लिए, तरोताजा बनाने के लिए जो है ये, बालों को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए हम जो है ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप तो लोग छोड़ गए इसको, तो पलवान लोग जो है ये हमेशा जो है इसको जो इसी तरह से ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारा नेचुरल प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्रियाँ जो है हमारे अल्लाह ताला ने ये जो पौधे जो लगाए हुए हैं फैक्ट्रियाँ जो है, सूरजमुखी को आप देख लें, ये भी हमारे लिए घी जितने भी जो है ये सारे हमारे लिए जो है वो एसेंशियल ऑयल मुहैया करते हैं बेसिकली तौर पर। और इसी तरह से श्रीलंका में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे कोकोनट बहुत ज्यादा है, कोकोनट जो है ये जिसको नारियल कहते हैं, तहाई ज्यादा मुकदार में, इतने इतने बड़े लगे होते थे वहाँ पे दरख्तों के ऊपर, लंबे लंबे दरख्त होते थे। तो वो इस तरह से जैसे हमारे जो है तरबूज जाता है इस मौसम में, तो वहाँ तरबूज की तरह से वो जो है कोकोनट जो है मिलते थे, उसमें स्ट्रॉ लगाते थे और उसका पानी पिया, उसको फेंका, तो इस तरीके से जो है और नया नया बड़ा सस्ता जो है वो वहां से मिलता था। और श्रीलंका में असल बेसिकली तौर पर जब हम नहाते थे तो हमें तेल लगाने की जरूरत थी, उसके जो जमीन के अंदर जो पानी है उसके अंदर नेचुरली तौर पर ये एसेंशियल ऑयल इतनी ज्यादा मकदार में मौजूद है कि उसी वजह से जो है पाम ऑयल के जितने भी दरख्त है और ये इतने बड़े बड़े कोकोनट ऑयल के दरख्त है वो सारे जो है इसीलिए अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेमत है वहां पे जो है। तो ये पूरी दुनिया को जो है कोकोनट जो है सप्लाई होता है, तो इसी तरीके से जो इसका तेल जो है बड़ा मुफीद है हमारे जिस्म के लिए, हमारे जो है वो दीगर कामों के लिए। तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं दाढ़ के दर्द के लिए, उसमें जो है बेसिकली तौर पर जो है इस्तेमाल होता है। तो कुल देखिए एक चीज जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, तो ये सारी जमीन से जो पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसके अंदर कैसे जो है ये रोगनियात पैदा करता है। तो रोगनियात जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो एक बीज जो है जिसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने जो है वो रोगन पैदा किया हुआ है, यानी कि तेल पैदा किया है। ये आप हैरान हो गए, मतलब बहुत से दोस्त मेरे जानते भी हैं कि जो मकई हम जो है वो अरफान पूरी मिल जो है ये अरफान मिल जो है मकई से जो है ये फैसलाबाद में अरफान मिल है, तो मकई से मैंने उसको जो है जब देखा तो उसके अंदर जो है वो घी बनता है जी। और इसी तरीके से जो हमारी गंदम होती है जो है गंदम के जो है छिलके के अंदर भी नेचुरली तौर पर ऑयल मौजूद होता है। तो हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो है उसकी एक खास मकदार जो है वो रखी होती है। तो हम उसको भी गंदम जो है यानी कि उसके भी बीज से जो है हम उसको ऑयल को जो है वो पुराने तरीके से भी हम जो है उसको तैयार कर सकते हैं, नए तरीके से भी तैयार कर सकते, उसको जला के जो है हम उसके जो जलाने के बाद तवे पे रख के उसको जलाते थे और उसके बाद उसके उसके अंदर से रोगनियात जो है वो हम हासिल करते थे। इसी तरीके से पुराने जमाने के जो तरीके रोगनियात हासिल करने के उसमें ये था कि किसी भी चीज का अगर आपने रोगन लेना है तो उसको जो है वो सरसों के ऑयल में डाल देते थे, तो उसके असरात जो है वो उसके अंदर जो है वो आ जाते थे। तो उसको आप पुराने जमाने में इस तरीके से जो है वो उसका नाम दे देते थे, मतलब कि रोगन खशकाश है, खशकाश को जो सरसों के तेल में डाला, या खशकाश को हम वैसे ही उसका तेल जो है वो बजरिया ग्राइंडर और प्रेस के जरिए जो है अभी प्रेशर भी हमें मिल जाता है, इस तरह बनौले का तेल है और बहुत से तेल जो है हमारे जो है यहाँ पे कनौले का तेल है, और इसी तरीके से जितने भी एसेंशियल ऑयल जो है ये हमारे बहुत ज्यादा जो है कारामंद है। तो निचले तौर पर ये फ्रूट के अंदर जो है ये फल के अंदर ये फल के बीज के अंदर ये तैयार होते हैं। अखरोट का तेल ले लें, मतलब अखरोट का जो बीज होता है उसके अंदर, अखरोट के अंदर जो होता है उसको हम जो है उसको प्रेस करके जो है उसके अंदर से जो है रोगनियात को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह खरबूजे को देख लें, खरबूजे के जो बीज हैं तो वो भी जो है उसके अंदर भी जो उसके जो है रोगनियात जो है निचले तौर पर मौजूद होते हैं। बादाम का तेल जो है जिसको जो है लोमड ऑयल कहते हैं बड़ा मशहूर है। तो इसी तरीके से ये सारे तेल जितने भी जो है रोगनियात जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये किस तरीके से अल्लाह ताला बनाता है इन फैक्ट्रियों के अंदर हमारे जो हमारे लिए बेहतरीन फैक्ट्रियां हैं, कौन सी है, ये प्लांट्स हैं जितने भी हर्बल प्लांट्स हैं, और ये हर्बल चीजें जितनी भी है ये नेचुरल चीजें हैं
और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है, खासतौर पर जो है वो वॉलेटाइल जो है एसेंशियल ऑयल। तो ये लेवेंडर के अंदर उतर जो है ये जब उसकी खुशबू आती है तो हमें जो है ये बड़ा मुअत्तर हो जाता है वहां पे जो है। इसी तरह से बच्चों के अंदर बदबू के अंदर इसको जो है वो बहुत से स्प्रे तैयार करते हैं, अत्रियात जो है जिसम के ऊपर लगाना जो है सुन्नत है, तो जिसमें जो है बेसिकली अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी स्प्रे आती है तो वो जो है बेसिकली तौर पर उसके अंदर जो है अल्कोहल होती है। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी है जुमा की नमाज या नमाज के जाते वक्त जो है वो अत्रियात का इस्तेमाल करें बजाय के वोलेटाइल के या इसी तरह स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल नहीं हमें करना चाहिए। तो इस्लाम में जो है ये जो है अल्कोहल जो है मिथेनॉल या इथेनॉल को अंदर जो भी इस किस्म का होता है उसको जो है मना फरमाया गया है। तो इस तरीके से अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो खाना पीना, अल्लाह ताला की ख्वाहिश के मुताबिक खाना पीना रूहानी तौर पर हमें बेहतर करता है। जिन चीजों से जिंदगी में मैंने तजर्बा हासिल किया है वो हमारे जिस्म से जो है वो जहर को खत्म करता है, यानी कि रोजा जो है ये हमारे जिस्म के अंदर से जहर को डिटॉक्सिफिकेशन का जो लफ्ज है डिटॉक्सिफाई ऑफ द बॉडी जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पे जो है वो जहरीले असरात को खत्म करता है जितने भी जिस्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है, जो कि बंदा को बेहतर बनाता है, यानी कि इंसान की सेहत को बेहतर बनाता है। बंदा को बेहतर बनाने का मकसद यही है कि इंसान की सेहत को बेहतर बनाता है। जब सेहत की बात होती है तो इसमें जो है वो तमाम माहरीन जो है वो शामिल हो जाते हैं, जिसमें जो है वो माहरे गजाइयत भी आ जाते हैं और मेरे जैसे जो है वो मोहरा साहब भी जो है वो माहरे स्पाइन भी आ जाते हैं और फूड सप्लीमेंट वाले भी आ जाते हैं। यानी कि हमने सबने मिल के जो है असल में सबका काम जो है मेडिसिन वालों का काम भी, एलोपैथिक वालों का काम भी, हकीमों का काम भी, और जितने भी जो है ये होम्योपैथिक वाले हैं और फूड वाले हैं, सबका काम क्या है कि हमने जो है वो फिजियोथेरापिस्ट जितने भी जो है सबका काम बेसिकली क्या है कि हमने जो है सेहत को बरकरार करना है, किसी की जो है सेहतमंद बनाना है। तो ये जितने भी अमराज वाले जो है ये असल में बेसिकली तौर पर सब मिलकर जो है क्या करते हैं, बेसिकली तौर पर ये सेहत को बेहतर करने में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है ये जब मुझे स्पाइन का इलम दिया, ये राइटर फरमाते हैं कि मुझे स्पाइन का इलम दिया, तो मैंने तो अपनी जो है स्पाइन के मुतल्लिक अपनी तलीम तरबियत मुकम्मल की, तो जिसके बाद मैंने जो है वो रोगनियात पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि ये वाला जो है रोगनियात जो है असेंशियल ऑयल जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां पैदा करते हैं और ये बेहतरीन तब्दीलियां जो है पैदा करते हैं। मई 2015 के अंदर जो है डॉक्टर साहब जिन्होंने ये ऑथर है जिस जो है इन्होंने 1,60,000 पेशेंट को जो है वो रोगनियात से दुरुस्त किया। तो इसी तरीके से जो है ये कमर के मोरों का जो है स्पेशल जो है ये इलाज होता है, बड़ी कमर की दर्द जो है लंबो आप जान चुके हैं पिछले दिनों, आप इसके ऊपर जो है ये लंबिगो और शैटेक के बारे में जो है वो काफी हद तक जो जाना था। तो लंबिगो जो है ये कमर का दर्द जो है ये मोरों का दर्द बेसिकली होता है तो वो भी हमने जाना, और शैटिक पेन जो है ये मोरा जो है जब दब जाता है तो उसके अंदर से जो शैटिक नर्व निकलता है तो वो दब जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको भी हम जान चुके हैं। तो 1,60,000 पेशेंट उन्होंने जो है इस तरह से दुरुस्त किया, मतलब 5 सालों के अंदर उनके जो है ये इतने ज्यादा जो है लोग उनको जो है वो, तो ये उन्होंने वो फरमाते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने जो है इनके बारे में जो है वो जाना और इसके बाद जो है मैंने अपनी जो है वो मालूमात को जो भी मैंने रोगनियात के बारे में जाना था उनको जो है लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से लोगों में जो है वो आराम और जो है ये क्योर सिस्टम जो है बहाल हुआ। तो वो अपनी कहानी में जो है बयान करते कि मैं जो है जब अनाज मालजा मैंने शुरू शुरू किया तो मैं शुरू में जो है नमाज और गजा और रोजा को तरजीह देता था, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है ये थेरेपी जो अरोमा थेरेपी जो है उसमें बहुत ज्यादा मुझे जो है वो फायदा होता था। जब भी मैं जो है किसी मरीज को इस तरीका से जो है अरोमा थेरेपी के जरिए जो है वो मोरों का इलाज करता था, उसको मालिश वगैरह करवाता था तो उसमें जो है और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को जमालता था तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलता था, जिसमें जो है वो जड़ी बूटियों के अंदर यानी कि हर्बल मेडिसिन के अंदर जो है वो नेचुरली तौर पर जो है वो गजाइयत के साथ साथ
उसमें बहुत ज्यादा जो है फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब ने जो है सबसे पहले जो है एसेंशियल ऑयल से जो है वो एक डिजीज होती है एथलीट फीट जो है ये एक डिजीज होती है, क्योंकि वो हर वक्त तस्मों वाले जूते पहनते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स वाले होते हैं, तो उनको जो है ये फीट के अंदर जो है वो कोई भी जो है जख्म हो जाता है, तो इसको जो है वो एथलीट फीट की जो है वो बीमारी कहते हैं। तो इस तरीके से हर्बल ऑयल किसे जो है उन्होंने सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट किया, और जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, इसका रोगनियात को इस्तेमाल किया, तो बहुत अच्छे नतज उनको जो है मिले। तो इसलिए जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ये इन पे जो है वो फिर रिसर्च करनी शुरू कर दी हर्बल ऑयल पे, और जो इस तरह से मैंने जो है वो अपनी जिंदगी को बदल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जो है मुख्तलिफ तरीकों पर तजर्बात किए, तो उन्होंने सबसे पहले जो 104 डिग्री फारेनहाइट की एक बच्ची जो है उनके पास आई जिसको 104 डिग्री फारेनहाइट बुखार था, तो उनके पास जो है ये तीन किस्म के जो है वो ऑयल मौजूद थे, रोगनियात जो है वो रोगने पुदीना जिसको जो है पिपलमिंट ऑयल भी कहते हैं, किन्नू का तेल जो है ऑरेंज ऑयल जिसको कहते हैं, कोकोनट ऑयल उनके पास जो है मौजूद था। उन्होंने पानी में चंद कतरे डाल के दिए तो बच्ची का बुखार जो है बेहतर हो गया, ना ही किसी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी और ना ही किसी पेन किलर की जरूरत पड़ी। इस तरीके से बच्ची जो है वो चंद ही मतलब घंटों में चंद मिनटों में जो है वो उनका बुखार 104 से जो है वो 100 और उसके बाद जो है 98.6 जो है हो गया, जिसमें जो है बड़ी तेजी से जो है उनको जो है फायदा हुआ। तो ये तो जो है मेडिसिन से जो है वो बेहतर काम करते हैं, उन्होंने ये तजर्बा किया। इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ अमराज के ऊपर जो है वो सनशाइन ऑयल का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया, और इस तरीके से उनको इंतहाई ज्यादा जो है वो कामयाबी हुई, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है काम शुरू करके जो है वो एसेंशियल ऑयल को जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है उनको इस्तेमाल करके उसको लगा के उसको पिला के और इसी तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से जो है और जिस्म के अंदर जो है ये और इसके बाद खुशबू से जो एसेंशियल ऑयल की खुशबू से भी उन्होंने बहुत से मरीजों को जब दुरुस्त किया। तो बहुत से मराज जो है ये बेसिकली तौर पर हमें जहनी तौर पे जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड खराब हो जाता है, बात हम जो है वो आवाजार से हो जाते हैं, और उन्होंने जो है ये पहले सबसे जो है पैकेटिश के अंदर कुछ जरासीम को लेके उनके ऊपर एसेंशियल डाल डाला, और उसके बाद उनका जो है वो देखा यानी कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी उनकी देखी, एंटी फंगल एक्टिविटी देखी, और जो है इसी तरीके से जो प्लांट के अंदर जो है वो एसेंशियल ऑयल कैसे जो है पैदा होते हैं, एनएडी जो है और एफडी जो है ये सारा साइकिल आप जो है वो पढ़ चुके हैं, तो फाइटोकेमिस्ट्री जो है हम इसकी जो है पूरी जान चुके हैं, एसेंशियल ऑयल जो है हम ड्राइव कैसे करते हैं, बहुत से तरीके एसेंशियल ऑयल ड्राइव करने के। तो जिसमें जो है हमने एक तरीका वो पढ़ा था जिसके अंदर मोम के अंदर जो है वो उस चीज़ को हम डिजॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद मोम को पिघला के जो है वो एसेंशियल ऑयल को जो है वो अलहदा कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है गुलाब का ऑयल और दिगर ऑयल जो है वो हम मुख्तलिफ तरीकों से जो हासिल करते हैं। तो बेसिकली तौर पर जितने भी ऑयल हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं, जितने भी हर्बल प्लांट हैं, बेसिक इनके जितने भी एलोपैथिक ड्रग्स हैं और जितने भी जो फार्मेसी जब हम पढ़ते हैं, मुझे अब हम नेक्सोमिक का जो है उसको पढ़ते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं और इसी तरीके से क्लोव ऑयल को पढ़ते हैं, तो बेसिकली तौर पर एसेंशियल ऑयल जितने भी है वे हर्बल मेडिसिन से ही जो है वो निकलते हैं। तो हर्ब जितने भी हम जो क्लोव ऑयल लौंग का तेल जिसको हम कहते हैं और इसी तरीके से जो है रोने खशखाश और रगड़े कद्दू, ये मैं जो है ब्रेन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, नींद आवर है बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है, और इस तरह से जो है वो पेन किलर भी ये इस और पेन किलर भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ये रोने खशखाश को जहाँ भी लगाए तो वहाँ पे पेन जो फौरी तौर पर जो दूर हो जाती है। अमरदाना जो है ये भी तेल बनता है कैसे जो है वो हम इसको पहले भी जो है इसकी बात कुंदम या अमरदाना की बात कर चुके हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो है ये थोड़ा सा रोग निदार चीनी मिला देते हैं या उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है कपूर मिला देते हैं और उसके बाद मेंथोल मिलाते हैं, यानी कि सात पुदीना सात अजवैन और जो है कपूर मिला के इसको हम जो है ये जब मिक्स करते हैं तो ये तेल जो है तैयार हो जाता है जिसको रोग ने मुफीद या रोग ने अमरदारा के नाम से जो याद किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी लगाए तो ये फौरी तौर पर जो है दर्द को जो रिमूव कर देता है। तो इसी तरीके से ये बतौर एनर्जेटिक भी काम करता है। तो ये बेसिकली तौर बहुत ही मुफीद चीज़ें हैं। तो
विलो प्लांट से, जो विलो जो एक प्लांट है उसके बार्क से जो है ये एसपी तैयार की जाती है, और मिथाइल सैलिसिलिक एसिड तैयार किया जाए, बेसिकली तौर पर पेन किलर है। तो ये सारे जो है इसमें हम जो है वो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने एक दूसरे से जो ये एसेंशियल ऑयल के बारे में जो है ये जानते हैं, और खास तौर पे इसकी जो है वो हम साबुन भी एसेंशियल ऑयल से, जितने भी साबुन है नहाने वाले खास तौर पे साबुन है उनके अंदर रोज की खुशबू होती है या कोकोनट की खुशबू होती है। आजकल तो कैपरी जो है उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने जो है खुशबुएं डाली हुई है, तो वो भी जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो डिस्कवरी है। इसी तरह से लेवेंडर का मैंने आपको बताया, उसका लेवेंडर का साबुन भी उन्होंने बनाया है। लेवेंडर जो है उसको दूध उसको कहते हैं, जरूबे दमाग कहते हैं, दमाग की सफाई के लिए। ना सिर्फ जो है उन्होंने उसको दूध का वो उसके जो है फ्लावर के अंदर इतनी प्यारी खुशबू है कि वो खुशबू को उन्होंने जो है ये सेंशल ऑयल उससे तैयार करके या वोलेटाइल तैयार करके जो है उसको जो है वो T20 के अंदर डाल के, तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है स्प्रे तैयार की है, और इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें जो है तैयार की है। तो इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा आगे इसको जो है वो बढ़ते हैं, तो हर जो है जितने भी एसेंशियल ऑयल होते हैं उनके अंदर जो है वो हीलिंग पावर नेचुरली तौर पर मौजूद होती है। तो हीलिंग पावर जो है ये एसेंशियल ऑयल के अंदर जो है ये मौजूद है, एक जो है यानी कि अरोमा थेरेपी को भी जानने के लिए जो है एसेंशियल ऑयल को जो है वो जानना बहुत जरूरी है, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हर जो है प्लांट के अंदर उसके बीज के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ये जो है को भी रखी है। कनोला को देख लें, वो भी एक बीज है। तुकमे रिहान को देख लें, और तुकमे जो है ये और तुकमियात को देख लें, उसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने जो है ये रोगनियात की खूबी जो है रखी हुई है। बादाम को देख लें, इसके बाद इसी तरीके से जो है वो बादाम से जो है बादाम रुगुन असर करते हैं, और उसके बाद खशखाश को भी हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं जी। पोपी प्लांट से ये हासिल होती है बेसिकली तौर पर, इसी से जो फ्यूल निकलती है बेसिकली तौर पर। तो ये पोपी प्लांट जो है ये पाकिस्तान में ममनू करार दिया गया, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक जो है वो फैल जाती है। तो पोपी प्लांट जो है वो सुर्ख रंग का प्यारा सा फूल होता है, उसके नीचे डोडा बनता है जिसके अंदर जो है वो फ्यूल जो है पैदा होती है, और ये जो है इसके ऊपर जो जब बीज आ जाते हैं उसको हम खुशखाश कहते हैं। तो उसको जो है प्रेस करके हम मुख्य प्रेसेस भी जो है हम से जो है वो ऑयल हम जो है उसका हासिल करते हैं। इस तरीके से बाजार में जो है मुख्तलिफ रबूनियात जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के दस्तयाब है। तो हम जो है अब रोज़ा और एसेंशियल ऑयल को जो है मजीद कल जानेंगे। तो असल में बेसिकली तौर पर कहने का मकसद ये है कि एसेंशियल ऑयल अरोमाथेरेपी का एक हिस्सा होता है, जो जिससे हम जो है ये मुख्तलिफ किस्म के मूड का खराब होना, कमरे के माहौल को बेहतर करना, इंसानी जब खुशबू लगाता है तो इंसान के अंदर तुरंत आती है, और जो है ये इंसान अपने आप को बेहतर फील करता है और बदबू से जो है बच जाता है। ये तो इस तरीके से ये डिस्कवरी जो है यानी कि एसेंशियल ऑयल की अरोमाथेरेपी की ये जबरदस्त किस्म का जो है वो इलाज है, और इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है पेन को दूर करने के लिए हमें जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक सिलेबस का एक टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम जो है पहले भी को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें जो है कमर दर्द में जो है ये अभी हमने बात की। तो इसके बाद हमारा जो है वो आज एक टॉपिक है, बस छोटा सा उसको डिस्कस करके हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। तो सर्वाइकल रंजिया, हम जो है ये सर्वाइकल रीजन को हम पढ़ चुके हैं, गर्दन के जो जितने भी पीछे मुड़े होते हैं बेसिकली 7 वर्टिब्रा जो है इसके अंदर होते हैं, तो ये सर्वाइकल, इसको सर्वाइकल रीजन कहते हैं। तो नरंजिया जो है यहाँ पे दर्द को कहते हैं कि ये जो सर्वाइकल रीजन के अंदर जो दर्द होती है इसको जो है वो सर्वाइकल नरंजिया कहते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली तौर पर तीन चार चीजें जो इसमें शामिल होती हैं, एक तो सर्वाइकल इसके अंदर जो है यानी गर्दन के मोरे जो है ये शामिल होते हैं, और दूसरा जो है कान के पीछे जो खोपड़ी का आखिरी हिस्सा जो होता है जिसको जो ऑक्सीपिटल लोब जो है उसको शामिल होती है, इसीलिए इसको जो है वो ऑक्सीपिटल जो है वो लोरेंजिया भी कहते हैं। और जब जो है ऑक्सीपिटल न्यूरॉन जो है के अंदर सोजिश हो जाती है, यानी कि ऑक्सीपिटल जो है ये
इसके अंदर जो न्यूरॉन वहां से गुजर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जख्म हो जाता है, तो ये जो है नीचे की तरफ जो खोपड़ी की तरफ साथ से जो वो आ रहा होता है, तो ये नर्व आ रहा होता है जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी जो है वो इन्फ्लेमेशन या कि कोई भी इसके अंदर दबाव या कि इसके अंदर जो है वो कोई भी तब्दीली आ जाए, तो जिसकी वजह से सर्वाइकल रीजन के अंदर जो है वो दर्द महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये दर्द जो है ये नीचे को भी जाती है, गर्दन को पीछे से अकड़ाव महसूस होता है, तो बंदा जो है वो या एक तरफ जो है वो झुक जाता है। आपने देखा होगा कि बाद लोग जब एक गर्दन को एक साइड पर रख के जो है चलते हैं, तो जिसकी वजह से जो है नीचे जो है वो पैदा हो जाती है और ये इकट्ठी हो जाती है, उन्हें जिसम जो है ये जो है वो झुक जाता है। तो बाज औकात ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है इसके अंदर जो है वो काज करता है, और बाज औकात जो है वो हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जी कि इस इन्फेक्शन की वजह से जो है नतीजा के तौर पर ये जो है नोरंजिया पैदा हो जाता है, यानी कि हेयर फॉलिकल के टूटने की वजह से जो है वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, सूज की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो इसमें बेसिकली तौर पर ये सर्वाइकल रीजन जो है वो बहुत ज्यादा मसला जो है वो क्रिएट करता है, गर्दन हिलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और बाज का जो ये और भी इसकी बहुत ज्यादा वजूहत है, खास तौर पे जब हेयर फॉलिकल की वजह से हो तो इसमें जो है सुर्खी आ जाती है, तो जिसकी वजह से बाज का फोड़ा सा जो है बन जाता है। तो इसमें जो है बेसिकली तौर पर हमें जो है फौरी तौर पे इसको रिमूव करने के लिए जो भी हमने पेन किलर एनाल्जेसिक जो है जितनी भी हमने जो है रोगनियात को पढ़ाया, तो ये इसमें बहुत इसमें जो है पेन को दूर करने के लिए जो है मोनोफिन भी कहते हैं, वो लगाने से फौरी तौर पर इसकी सूजन जो है वो कम हो जाती है। इसी तरीका से ऑलिव ऑयल जो है ये लगाने से स्वेलिंग कम हो जाती है, और इसकी जो है वो जो भी वजूहत हो यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, तो हमें जो है ये उसके लिए जो है हम सबके फूल अद्वियात से हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो अगर जो है ये इसमें जो है किसी भी वर्टिब्रा यानी कि एटलस सेक्शन या कि इसके अंदर जाइए जितने भी जो सर्वाइकल रीजन के अंदर जो है वर्टिब्रा उनके अंदर कोई डिफॉर्मेलिटी या चेंजेस आ चुकी हो, तो हम इसको फौरी तौर पर जो है बेहतर करने के लिए हमें जरूरत होती है। तो इसमें बेसिकली तौर पर पेन एनर्जेसिक रोगनियात जाए यानी कि एंटी पेन रोगनियात को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह से एस्प्रिन और सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करवाने से इसमें जो है दर्द में जो है बेहतरी आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इसमें ये बर्गमॉट भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ये हम जो है वो ओरल इस्तेमाल इसका जो है रोगने मुफीद का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको हम जो है ये सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन पाउडर के ऊपर डाल के भी जो थोड़ा सा अगर हम इस्तेमाल करवाएं तो फौरी तौर पर जो है पेन रिमूव किए में जो वो बेहतरी आ जाती है। तो इस तरीका से जो है वो सर्वाइकल रीजन के अंदर ऊपर से नीचे को जो है मालिश करने से, इसको दबाव करने से, और जो सर्वाइकल रीजन के अंदर सॉफ्ट कॉलर को इस्तेमाल करने से, और जो कॉलर हार्ड कॉलर भी इस्तेमाल करने से जो भी इसके अंदर जो है तब्दीली आ चुकी हो हम जो है उसको दूर कर सकते हैं, और सर्वाइकल रीजन जो है नोरंगिया को हम बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीका से ऑक्सीपिटल अगर नोरंगिया हो यानी कि ऑक्सीपिटल बोन के अंदर और वहां से जो नर्व गुजर रहा है तो वहां पे जो है तो प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि रोहिणी कद्दू और रोहिणी कशां जो है हम वहां पे लगाते हैं, तो फौरी तौर पर ये बेहतरीन किस्म का जो है वो मिनिमम है, ये ट्रंकलाइजर नहीं है मिनिमम है, तो यानी कि स्लीप करवाता है, और ये ट्रंकलाइजर मुस्तकिल असर इसका जो है उसमें लग नहीं जाता। हमारी अद्वियात में असल में यही खूबियाँ है, ये जो मैंने आपको सोमीना का बताया था उस दिन भी, तो सोमीना भी जो है बेसिकली तौर पर ये ताकत भी देती है और नींद भी लाती है, तो इसकी नस्बत जो है जितने भी ट्रंकलाइजर और जितने भी जो है एडिक्शन वाली मेडिसिन जो है जो कि फ्यूल से तैयार होती है बेसिकली तौर पर, मॉर्फिन है, कोडीन है, और इसी तरीके से यूरिन है, और इसी तरीके से जितनी भी है मेडिसिन है, तो वो जो है उससे हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और हम इस मरीजों को जो है खास तौर पर ट्रंकलाइजर से बचाते हैं, मंशियात से बचाते हैं,
भी आदमी उनसे बचाते हैं, पेन किलर भी आदमी उनको जो है बहुत कम ही हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे जिसम को नुकसान दे नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया। तो हमने जो है आज सर्वाइकल लोरेंजिया जो है और रोमिया एसेंशियल ऑयल के बारे में थोड़ा सा जाना है, जिसको जो है रमजान से जो है हमें जो रमजान में ये क्या फायदा देता है, तो इसके बारे में हम मजीद कल जो है जानेंगे। बहुत शुक्रिया।